नरेंद्र मोदी और आखिर जपाल इंद महासागर क्षेत्र से समुद्री आवाजाही की सुरक्षा से आतंकवाद से समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ने लिए प्रतिबद्ध। कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून की अमलावरी पर रोक लाने थमां कीता इनकार। इस बारे दायर 237 याचिकाएं का जवाब देने लिए सरकार की दिता 3 हफ्ते का समा। चुनाव कमिशन आसे लोकसभा चुनाव के पहले मरले लिए कल जारी करी दी जाग अधिसूचना। इस मरले तहत जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा हल्के भी 19 अप्रैल भी पाए जांगन वोट। प्रशासन चुनाव आचार संहिता लागू करने चो सख्त लाइसेंसी हथियार जमा करवाने ते नकदी ऊपर तक रखने समेत जारी कीतियां जरूरी हिदायतां। नमस्कार, डीडी काशी थमां प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा सभनें दा स्वागत है। हुण पेश खबरां तफसील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें बल्गारिया दे राष्ट्रपति रूमेन रुदेव हुंदे आसिया उंदे मुल्खां दे समुंदरी जहाज ते जहाजां उप्पर तैनात अमले गी सुरक्षित बचाई लैने वास्ते भारतीय नेवी दा धन्नवाद कीते जाने परंत जोर देई आखे जे भारत इंद महासागर दे क्षेत्र च समुंदरी यात्राएं गी आतंकवाद ते समुंदरी डाकुएं थमां सुरक्षित बनाने लई प्रतिबद्ध है। बल्गारिया के राष्ट्रपति और उन्दे मुल्खा के एक समुद्री जहाज एमवी रूइन की अगवा करने परंत भारतीय नेवी आसिया कार्रवाई करिए छुड़काए जाने लिए अपना आभार प्रकट किया। बल्गारिया के 7 नागरिकों के अलावा म्यांमार के 9 ते अंगोला के 1 नागरिक ही लिए जा करते इस समुद्री जहाज की पिछले बरे दसंबर महीने यमन द्वीप को समुद्र से डाकुएं अगवा करी लेता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिविल सर्विसेज अधिकारियों की आखे जे कुशल ते स्मार्ट प्रशासन की तय आधुनिक टैक्नोलॉजी जियां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन से बिग डाटा एनालिटिक्स जनेई तकनीकें दा इस्तेमाल करन। उन्हें आखे जे नमे विचार ते नमी टेक्नोलॉजी बख-बख तजुर्बे कन्ने इन्नी प्रभावशाली तब्दीलियां आनी सकदे न जेड़ा कोई सोची भी नहीं सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कल संजा राष्ट्रपति भवन च रियासतें दे सिविल सर्विसेज अधिकारियों की संबोधित करार दियां हियां। राष्ट्रपति मुर्मू होरें आखे जे अधिकारियों की विकास से काम करते हुए पर्यावरण मित्र तरीकें दा इस्तेमाल करते हुए स्थिरता ते समावेशी विचारें की ध्याना च रखना लोड़दा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की लागू करने पर रोक लाने थमां ना करी दिती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अधिसूचित किए गए कानून की चुनौती देने वाली 237 याचिकाएं का परता देने लिए सरकार की 3 हफ्ते का समा दिता है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा हुंदे उपर आधारित अदालती पीठ की तरफा की गई। याचिका दायर करने वाले च इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस नेता जयराम रमेश ते तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा शामिल न। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल की कीती जाग। लोकसभा चुनाव के पहले दौर लई कल अधिसूचना जारी करी दिती जाग। एदे तहत 17 राज्यों ते 4 केंद्र शासित प्रदेशों च लोकसभा की 102 सीटें लई चुनाव करवाया जाग। जम्मू कश्मीर च उधमपुर डोडा लोकसभा सीट लई भी इससे पहले मरले तहत 19 अप्रैल की वोट पाए जांगन। उम्मीदवारों की तरफा इस महीने की 27 तरीक तोड़ी अपनी उम्मीदवारी के कागज पत्र भरे जाई सकते हैं। जम्मू कश्मीर थमां लोकसभा लई तय सीटें दे चुनाव की घोषणा दे कन्ने गै प्रशासन की तरफा चुनाई की निरपक्ष स्वतंत्र ते पारदर्शी तरीके कन्ने करवाने लई चुनाव आचार संहिता की पूरी भावना कन्ने लागू करने की प्रक्रिया तेज करी दी गई है। इस सिलसिले च बख-बख जिले के जिला चुनाव अफसरें की तरफा सियासी पार्टियों की चुनाव मुहिमें उपर नजर रखने लई जांच पड़ताल स्क्वाड गठित किए गए ते कन्ने कानून लागू करने वाली ते इहदे कन्ने संबंधित दूई एजेंसियों की आख्या गया जो नकदी के लेन देन उपर नजर रखन। जम्मू का रामबन जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव 2024 की ध्यान च रखते हुए अपने अपने जिले च सबने लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों की आख्या है जो 7 ध्याड़े के अंदर अंदर अपने ए हथियार नेड़में पुलिस स्टेशन च जमा करवाए देन। जम्मू के जिला मैजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ते रामबन के जिला मैजिस्ट्रेट बसीर उल हक चौधरी हुंदी तरफा जारी एक बख-बख हुक्म च यह गल आखी गई है। यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव की रमानदारी कन्ने संपन्न करवाने वास्ते की गई है। जम्मू कश्मीर च अगले महीने की 19 तरीक थमां 5 मरलें तहत होने वाले लोकसभा चुनाव की सुचारू ढंग कन्ने संपन्न करवाने लई प्रदेश प्रशासन की तरफा पुलिस की बख-बख बटालियन की नियुक्त करने के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी गृह मंत्रालय की तरफा तैनात किया जा करता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों दियां ये टुकड़ियां पूरी कश्मीर वादी ते जम्मू प्रांता दे सरहदी जिले रजौरी ते पुंछ च तैनात कीतियां जांगन ताकि आतंकवादियों ऐसा चुनाव कोला पहले जां चुनाव दौरान सियासी माहौल की बिगाड़ने लई कीती जाने वाली किसी भी कोशिश की नाकाम कीता जाई सके।
भारतीय चुनाव कमिशन ने इन्हें चुनाव लिए पहले गै केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल दी 635 कंपनियां तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यह बादू कंपनियां इस महीने के खीर तोड़ी जम्मू कश्मीर पुजना शुरू हो जाएंगन ते उन्हें संवेदनशील थारियों पर तैनात किया जाग। चुनाव के पहले मरले तहत 19 अप्रैल की उधमपुर डोडा चुनाव हल्के जम्मू रियासी सीट लिए 26 अप्रैल की अनंतनाग पुंछ रजौरी सीट लिए 7 मई की श्रीनगर सीट लिए 13 मई की बारामूला सीट लिए चुनाव के पंजे ते खीरले मरले तहत 20 मई की वोट पाए जाएंगन। बख-बख मरले दौरान आले समय च इन्हें सशस्त्र बलें की एक थारा समा दुई थार पजाया जाग। चुनाव कमिशन आसिया लोकसभा चुनाव दौरान सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली ते झूठी खबरें कने निबड़ने लिए दोहरी रणनीति अपनाई जाग। इस गल्ला उपर जोर पांदे हुए मुख्य चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार होरें आख्या जे मतदाताएं की सही सूचना ते तस्वीर हासिल करवाने लिए ज्वाइंट इशू सूलत हासिल करवाउण। उन्हें आख्या जे कमिशन की तरफा तोले गए मिथ वर्सस रियलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जा ताजे सोशल मीडिया उपर प्रसारित की जाने वाली बेबुनियाद खबरें की हटाया जा सके। उन्हें दसिया जे चुनाव दौरान गुमराह करने वाली सूचनाएं करने बड़ी परेशानी होंदी है पर उन्हें यह स्पष्ट किया जे कुसे की भी झूठिया खबरां ते बेबुनियाद खबरां फैलाने की इजाजत नहीं दी जाग। मुल्खा च लोकसभा लई पहली बारी 1959 च होए दे चुनाव कोला लेइए हुणे तोड़ी दे लोकसभा चुनाव दौरान अपने अपने हल्के च कुल होए दे मतदान चा 6% हिस्सा हासिल नहीं करने कारण 71,000 कोला वध उम्मीदवारें की जमानत जब्त हो चुकी है। चुनाव कमिशन की तरफा जारी इन्हें आंकड़े मुताबक 2019 के चुनाव दौरान 86% उम्मीदवारें की जमानत जब्त हो गई ही। चुनाव कमिशन के नियम कायदे मुताबक जेकर कोई उम्मीदवार अपने हल्के च पाए गए कुल वोटे चा घट्टो घट 6% वोट हासिल करने च नाकाम रहा है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। सांबा के जिला प्रशासन की तरफा अज चुनावी अमले लिए सिखलाई के एक खास प्रोग्राम से वर्कशॉप का सरिस्ता किया गया जिदा मकसद आंदे लोकसभा चुनाव लिए प्रिसाइडिंग पोलिंग अफसरें की मुनासिब सिखलाई देना है। इस प्रोग्राम दौरान ईवीएम की मुनासिब तरीके कन्ने स्थापित करने उसी शुरू करने ते सील करने बारे लोड़ती सिखलाई दी गई। दूरदर्शन समाचार कन्ने गलबात करते हुए सांबा के जिला चुनाव अफसर अभिषेक शर्मा होरें आखिया जे ईवीएम ते वीवीपैट मशीना कायम करने बारे लोड़ती सिखलाई देने वास्ते जानकारी देने वाले नेकां दौर लाए जांगन। कोशिश ये है कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर पाएँ ईवीएम वीवीपैट की ताकि पोलिंग जो है इलेक्शंस के दिन पोल डे वो बड़े अच्छे और कॉन्फिडेंट तरीके से इलेक्शंस कर पाएँ फ्री और फेयर इलेक्शंस कर पाएँ यही टारगेट है डिस्ट्रिक्ट सांबा का। भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनावों की विकास धारा 370 ते 35 के हटाए जाने के मुद्दे पर लड़ोग। इस गल की जानकारी बीजेपी के महामंत्री देवेंद्र मन्याल होरें आज कठुआ च पत्रकारों कन्ने गलबात करते हुए दी। उन्हें दसिया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर 21 मार्च की कठुआ च उधमपुर लोकसभा चुनाव हल्के थमां अपना नामांकन दाखिल करंगन ते दे परंत रामलीला ग्राउंड कठुआ च एक चुनावी सभा की संबोधित करंगन। डोडा के जिला चुनाव अफसर हरविंदर सिंह होरें अज आख्या जो चुनाव संबंधी तैयारियों की खीरी रूप दे दिता गया ते डोडा जिलाधिकारी अप्रैल महीने की 19 तरीक की होने वाले लोकसभा चुनाव करवाने लिए पूरी चाली तैयार न। दूरदर्शन समाचार कन्ने गल करते हुए उन्हें दसिया जो डोडा जिले च कुल योग्य मतदाताएं 3,04,311 लिए पूरे जिले च 529 मतदान केंद्र कायम किए गए। यह जिला उधमपुर लोकसभा चुनाव हल्के का एक हिस्सा है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स को तैयार करना होता है वो हमने ऑलरेडी तैयार रखी थी दे आर ऑलरेडी एक्टिव। इसके अलावा हमारी वीडियो व्यूइंग टीम्स वीडियो सर्विलेंस टीम्स वो सारी एक्टिव हैं और काम कर रही हैं। डेली रिपोर्टिंग हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्टिंग हो रही है। कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसी ड्रग्स या शराब या कैश ऐसी कोई भी चीजें पकड़ी जा रही हैं तो वो रिपोर्टिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें व्लादिमीर पुतिन होरें गी उंदे परतियै रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट उपर श्री मोदी होरें आख्या जो आने वाले बरें चो भारत रूस बशकार संबंध की ओर मजबूत करने समय की कसौटी उपर खरी उतरी दी दोस्ती ते विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति की साझेदारी की पुतिन हुंदे कन्ने अगड़े बधाने की सोच रखते हैं। प्रदेश जांच एजेंसी यानी एसआईए ने नशीले पदार्थों के आतंकी गठजोड़ फाइनेंस मामले च लश्करे तैयबा के एक आतंकवादी समेत दो लोगों खिलाफ चार्जशीट दायर की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून तहत यह चार्जशीट गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम संबंधी कायम की गई खास अदालत जहीर अहमद खोजा ते जमीर अहमद लोन खिलाफ दर्ज की गई है। लोन कश्मीर का बसनीक है तो लश्करे तैयबा के आतंकवादी के तौर पर मकबूजा कश्मीर थमां अपनियां गतिविधियां चला करता है जिसलै के खोजा की पिछले बरे सितंबर महीने 5 करोड़ रुपए के मुल्ले बरोबर नशीले पदार्थों कन्ने गिरफ्तार किया गया है।
सरकार ने आखे जे अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अंतरुट हिस्सा ए हा ते हमेशा बने दा रोग। अरुणाचल प्रदेश के बारे चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफा दिए गए एक बयान बारे मीडिया की तरफा पूछे गए सवालों के परते भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवालों ने आखे जे अरुणाचल प्रदेश के लोग विकास प्रोग्रामें बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टें थमां लगातार लाभ उठावांगन। उन्हें आखिर मंत्रालय ने चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र बारे दिए गए बेबुनियाद बयान की गंभीरता करने लेता है। श्री जायसवालों ने आखिर इस बारे बेबुनियाद तर्क देने करने इस तरीके के दावे की कोई मानता हासिल नहीं होती है। अफगानिस्तान च पाकिस्तान की तरफा किए गए हवाई हमले के जवाब च तालिबान बलें की तरफा डूरेंट लाइन के कन्ने लगती पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर भारी हथियारों कन्ने गोलीबारी की गई है। तालिबान अगुवाई वाले रक्षा मंत्रालय ने दसिया कि अफगानिस्तान के रक्षा से सुरक्षा बल कुसे भी भड़काऊ कार्रवाई का जवाब देने तैयार ते उस हर सूरत अपने इलाके की अखंडता की राखी करन। इसे दौरान व्हाइट हाउस ने दोनों मुल्कों की आख्या जो गलबात राय अपने मसले का नबेड़ा करन। पब्लिक रिलेशन सोसायटी आफ इंडिया के जम्मू चैप्टर आसिया जम्मू के प्रेस क्लब च मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी आफ भारत किताब उपर अज चर्चा करवाई गई। इस किताब च डॉक्टर स्वदेश सिंह राजनीतिक विचारधारा के विकास बारे लिखे दा है। सार्वजनिक जीवन कन्ने संबंध रखने वाले बख बख विद्वानें इहदे च हिस्सा लैता। इस प्रोग्राम च मीडिया IIMC जम्मू के विद्यार्थियों प्रोफेसरें हिस्सा लैता। भारतीय वायुसेना की तरफा अज एक समारोह दौरान तकरीबन 19 प्रमुख खिडारियों की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सतह उपर शानदार प्रदर्शन करने लिए सम्मानित किया गया। वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी ने नवी दिल्ली च लगे एक समारोह दौरान वायुसेना कन्ने संबंधित इन्हें खिडारियों की सम्मानित किया। इस मौके उपर बोलते हुए चीफ आफ एयर स्टाफ होरें वायुसेना के योद्धाएं की खेड गतिविधियों च शानदार उपलब्धियों लिए बड़ियाई की। उन्हें खिडारियों की सलाह दी जो सख्त मेहनत जारी रखन ते होर मते सम्मान हासिल करन। Indian Air Force is proud of these achievements, and on behalf of all the air warriors of the Indian Air Force, I urge you to keep up the hard work, strive for greater laurels. We hope to see more winners here being felicitated next year, in particular after the Olympics. Let us not only celebrate the past victories, but strive for greater heights in the years to come, breaking boundaries. नवी दिल्ली के भारत मंडपम च कल थमां शुरू होए दे स्टार्टअप महाकुंभ 2024 च जम्मू कश्मीर की तरफा अपने स्टार्टअप ते नवे विचार प्रदर्शित किए जाने मौके लोगों च बड़ा मता उत्साह। प्रदर्शित किए गए ने स्टार्टअप च सेवा थमां समस्या हल करने तोड़ी नेकां विषय शामिल है जिंदे च इस क्षेत्र च उभरा करदे उद्यम की उजागर किया गया है। जम्मू कश्मीर उद्यम विकास संस्थान के डायरैक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा होरें इस महाकुंभ च जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप प्रदर्शित होने पर खुशी प्रकट की। इन्हें स्टार्टअप ने भारतीय स्टार्टअप के नक्शे पर अपनी भूमिका मुख्य खिडारी के तौर पर दर्ज करवाते हुए ना छड़ा दर्शकों की सगुआ निवेशकों की आकर्षित किया। इन्हें ना छड़ा जम्मू कश्मीर के उद्यमियों की प्रतिभा की उजागर किया सगुआ राष्ट्रीय स्टार्टअप वातावरण च बड़े पैमाने पर योगदान देने लिए इस क्षेत्र की योग्यता की भी प्रदर्शित किया। प्रसार भारती दूरदर्शन समाचार आसिया जम्मू लई बख बख वर्गें के अहुदे आस्ते फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल आधार उपर इच्छुक उम्मीदवारों कोला दरख्वास्तां मंगियां गईयां। मेदवार भारतीय नागरिकों ने लोड़चदे न अहुदे कंटेंट एग्जैकटिव ब्रॉडकास्ट एग्जैकटिव वीडियोग्राफर वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट ते न्यूज एंकर कम कोरस्पोंडेंट। इस बारे मती जानकारी प्रसार भारती की वैबसाइट prasarbharti.gov.in/pbvacancies पर हासिल हो सकती है। मेदवार ऑनलाइन दरख्वास्तां प्रसार भारती की एप्लीकेशन prasarbharti.org वैबसाइट उपर दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र जम्मू आसिया स्ट्रिंगर्स का पैनल बनाने लिए दरख्वास्तां मंगियां गईयां। एदे च जम्मू जिले लई 5 ते कठुआ सांबा उधमपुर रियासी रजौरी पुंछ रामबन डोडा किश्तवाड़ जिले लई 2-2 असामी आस्ते दरख्वास्तां मंगियां गईयां। एदे लई नियम शर्तां ते होर दुई तफसील वैबसाइट www.dindia.gov.in जां फिर डीडी न्यूज जम्मू ट्विटर हैंडल थमां हासिल कीतियां जाई सकदियां। योग्य ते तजुर्बेकार उम्मीदवार इन्हें असामियों लई दरख्वास्तां समाचार प्रमुख दूरदर्शन केंद्र जम्मू टाली मोड़ दे लागे जानीपुर जम्मू च एक सीलबंद लफाफे च जमा करवाई सकदे न। इस दरख्वास्त कन्ने 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जिहड़ा दूरदर्शन केंद्र जम्मू के ड्राइंग ते डिसबर्सिंग अधिकारी के नां होग वह भी जमा करवाना लाजमी होग। यह दरख्वास्तां जमा करवाने की खीरी तरीक 6 अप्रैल 2024 है।
पुंछ दे कृष्ण चंद्र पार्क च दो कनाल रकबे उपर फैले दा ट्यूलिप गार्डन की अज लोकें आस्ते खोली दिता गया। ए गार्डन मते हारे सैलानी भी आकर्षित करारदा है। पुंछ दे फ्लोरीकल्चर पार्क ते गार्डनज महकमे दे असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव कुमार हुंदे मुजब अज 1000 थमां मते सैलानी इस गार्डन की सैर की। उन्हें दस्या कि इस बरे दो कनाल रकबे च 6 बख-बख किस्में दे 12 ट्यूलिप दे फुल लाए गए हैं। जिला विकास कमिश्नर पुंछ यासीन एम चौधरी ने ट्यूलिप पार्क के दौरे दौरान आख्या जे आने वाले महीने च प्रशासन किशोर पार्कें दे म्यार च भी सुधार करोग। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।